सुजानगढ़ में प्रदेश के जाने माने अधिवक्ता गोवर्धन सिंह का नया बाजार स्थित करणी सेवा सदन में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कणिदान चारण के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में गोवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि वो मेरा दमन करने की बजाय अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच करवाती। एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने कहा कि जिला बनाने की घोषणा सरकार ने आनन फानन की है, क्योंकि सरकार को न तो कमेटी की रिपोर्ट मिली और न ही अंतरिम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। सुजानगढ़ से क्षेत्र को जिला सूची से बाहर रखना पूरे राजस्थान के लिए हैरत भरी बात थी। उन्होंने सुजानगढ़ में किए गए स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में एडवोकेट तिलोक पिलानिया, एडवोकेट परमेश्वर पिलानिया, एडवोकेट अजीत सिंह का भी माल्यार्पण करके अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आरती चारण, डॉक्टर योगिता सक्सेना, एडवोकेट रणजीत भारी, पार्षद शर्मिला सोनी, मदन लाल सोनी, नंद किशोर सोनी, प्रकाश चंद्र सोनी, रेवंत राम सारण, एडवोकेट सीमा चौधरी, धीरज चारण, भवानी गोपाल, साहिल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कणिदान चारण ने सभी का आभार प्रकट किया। देखिए, मैं कर्जदार हूं उन सब का जिन्होंने इस पूरे संकट के दौर मेरा सहयोग किया और उसके बाद जो मुझे प्यार और आशीर्वाद जो लोग दे रहे हैं उन सब का भी मैं कर्जदार हूं। किसी न किसी विश्वास और आस के साथ जो मुझ पर भरोसा जताया जा रहा है उस भरोसे पर खरा उतरने की मैं जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा। जिस तरह से माननीय गहलोत ने आपके साथ बताया, आपने जेल में डाला है और जनता आपके साथ है, क्या देखिए, मेरा ये मानना है कि जब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ न्यायालय ने FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया और उसके बाद मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने 16 नए मुकदमे, 8 पुराने मुकदमे, 24 मुकदमे दर्ज किए, मेरा यह कहना है कि मुख्यमंत्री जी कोई बात नहीं, आपने 24 मुकदमे दर्ज किए, मुझे 121 दिन तक पुलिस रिमांड पर रखा, 154 दिन जेल में रखा, 9 महीने कस्टडी में रखने के बाद मेरा यह कहना है 24 मुकदमे आप मेरे खिलाफ और दर्ज कर लीजिए, लेकिन साथ में वह मुकदमा भी दर्ज करिए जो आपके खिलाफ कोर्ट ने कहा था कि दर्ज करिए, अनुसंधान करिए। मेरा यह मानना है कि वह मुकदमा दर्ज करके जनता को भी बताइए कि उस मुकदमे में ऐसा क्या है जिसको आप दर्ज नहीं करना चाहते, अनुसंधान नहीं करना चाहते, कोर्ट में पेश नहीं करना चाहते, बल्कि उसकी बजाय आप उस वकील को जेल में डाल रहे हैं जिसने किसी पीड़ित महिला की तरफ से पैरवी कर न्याय दिलाने की कोशिश की थी कि घोषणा कर देना, वो भी अंत समय में। मुझे लगता है यह निर्णय ही प्रमाण है इस बात का कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, किस आधार पर किस जगह को जिला बनाया गया है। मैं आज सुजानगढ़ की धरती पर बैठा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आप राजस्थान में जो जो लोग सुजानगढ़ को जानते हैं वो बता देंगे आपको कि सुजानगढ़ शायद राजस्थान के उन महत्वपूर्ण जगहों में था जो जिला सबसे पहले बनना चाहिए था, उन सूची में से सुजानगढ़ आता है। सुजानगढ़ की के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सुजानगढ़ को जिला प्राथमिक आधार पर बनाना चाहिए था, राम लुभाया कमेटी को सार्वजनिक करना चाहिए था, और अगर कमेटी की रिपोर्ट में कुछ और है, सरकार कुछ और कह रही है, तो इस कमेटी की रिपोर्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाना चाहिए था। कहते हैं जहां चाह वहां राह, अगर इंसान बेफिजूल की बातों में वक्त बर्बाद न करे और अपने दिमाग और वक्त दोनों को रचनात्मक कार्य में लगाए तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। खासकर इस भाग दौड़ भरे जीवन में अगर कोई आपको अपनी कुर्सी पर ही व्यायाम उपलब्ध करवा दे तो वो भी बैठे बैठे, तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा संभव कर दिखाया कक्षा 9 में पढ़ने वाले बालक हितेश मीणा ने। व्याख्याता धर्म सिंह मीणा व सरोज मीणा के पुत्र हितेश मीणा ने बताया कि आम तौर पर देखने में आता है कि लोग समय नहीं निकाल पाते और व्यायाम नहीं कर पाने की वजह से लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। ऐसे में साइकिल के जरिए एक्सरसाइज सभी लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके लिए वो वक्त नहीं निकाल पाते। ऐसे में साइकिल से ही आइडिया उनके दिमाग में आया और कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते वक्त कुर्सी में ही साइकिल के पेडल वाले पैनल को फिट कर दिया गया। वहीं सुविधा के अनुसार बाहर पैनल निकाल पर साइकिलिंग शुरू की जा सकती है और फिर काम करना हो तो पैनल को वापस अंदर डालकर काम शुरू किया जा सकता है। खास बात यह है कि चाय कॉफ़ी पिए बिना ही व्यक्ति तरोताज़ा हो सकता है और व्यायाम भी हो जाए वो अलग। फिलहाल जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में भाग लेकर हितेश मीणा ने अपने इस मॉडल को सबके सामने रखा। आश्चर्यजनक रूप से सबको ये मॉडल पसंद आया और हितेश मीणा ने पहला स्थान प्राप्त किया। मैंने इंस्पायर अवार्ड मनक में मैंने पार्ट लिया था, मैंने इसमें भाग लिया था, उसमें मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ
और उसमें मैंने ये बनाया, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो लोग स्कूलों में ऑफिसों में काम करते हैं तो उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, उनको कुर्सी पर बैठे बैठे ही काम करना पड़ता है, ऑफिसों में स्कूलों में काम करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो एक्सरसाइज कर सके। तो साइकिलिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये देखते हुए मैंने कुर्सी के नीचे दो साइकिल के पेडल लगा दिए और चार स्क्रू लगा दिए। अब उन चार स्क्रू को लूज करने के बाद, उन चार स्क्रू को ढीले करने के बाद हम उन दो पेडलों को बाहर निकाल सकते हैं और हम काम करते करते एक्सरसाइज साथ में कर सकते हैं, जिससे जो लोग हैं वो फिट रहेंगे। और फिर आपको लगे कि पर्याप्त एक्सरसाइज हो चुकी है तो आप उन पेडलों को वापस अंदर डाल सकते हैं, जिससे वो वापस एक सामान्य कुर्सी बन जाएगी। ये मॉडल सभी के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी महिला पुरुषों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आजकल लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं मिलता। अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग व्यस्त रहते हैं। कुछ लोगों का जो ऑफिस में बैठे बैठे काम करने का होता है, उनको भी एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं मिलता। इसके एक वर्ग के साथ साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो वो फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो बहुत सी बीमारियों से इनको निजात मिलेगी। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, और मोटापा के कारण बहुत सी बीमारी होती है। साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, और उसी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे स्टेट लेवल का प्रोग्राम होगा, उसमें और संशोधनों के साथ इस मॉडल को प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में बड़े लेवल पर इसका अगर उपयोग होगा, सभी लोग इसका उपयोग करेंगे, और एक बहुत ही सस्ता है, हर आम आदमी इसको खरीद सकता है, जिससे कि वो अपने आप को फिट रख सकता है, और इसी के साथ में ये साइकिलिंग करके आदमी बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकता है।